के इस परिसर में आयोजित इस मातृशक्ति सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित इस परिसर और इस परिसर जैसे और सारे परिसरों की श्रृंखला के सूत्रधार सम्माननीय प्रबंध निदेशक अखिलेश शुक्ला जी, प्रधानाचार्य सम्माननीय सुमन शुक्ला जी, यहाँ की ब्रांच हेड जो है सम्माननीय प्रियंका शुक्ला जी, प्रधानाचार्य अनुज दीक्षित जी, प्रधानाचार्य निधि मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय श्रीमती आशा त्रिवेदी जी, और विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर, उपलब्धियों को लेकर, उनकी परिस्थितियों को लेकर हमेशा सजगता से संघर्षरत रहते हैं ऐसे आदरणीय शैलेंद्र द्विवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित अभिषेक पांडे जिन्हें हम प्यार से मोनू पांडे कहते हैं ऐसे यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय सभी जो शिक्षक वृंद हैं, हमारी शिक्षिकाएं हैं, और जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हमारी मातृशक्ति, हमारी सामर्थ्य, हमारी धुरी, और मेरी बहनें जो यहाँ इस कार्यक्रम में अपने बच्चों के स्कूल में उपस्थित आई हैं, आप सबको मैं बहुत सम्मान के साथ नमस्कार कर रही हूँ, आपका अभिवादन कर रही हूँ। आप इस विद्यालय परिवार के निवेदन पर अपने बच्चों के स्कूल के इस परिसर में उपस्थित आई हैं, तो स्वाभाविक है कि अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनकी उन्नति को लेकर, उनके संस्कार को लेकर आप सजग हैं और आप जानना चाहती हैं। विद्यालय परिसर जहां पर आपके बच्चे कई घंटे रहते हैं, उस परिसर के अंदर माहौल कैसा है, प्रबंध तंत्र कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, तो ये सारा आपस में एक कनेक्शन का वातावरण होता है। जब कभी कोई विद्यालय परिवार अपने बच्चों के परिवार से निमंत्रित करता है माता पिता को, अभिभावक को, तो एक संयोजन होता है। बच्चा जो भविष्य है उस देश का, उस समाज का, और उस बच्चे की परवरिश में जो महत्वपूर्ण दो परिसर हैं, दो स्थान हैं, एक हो गया बच्चे का घर और दूसरा हो गया बच्चे का स्कूल, तो ये दोनों जब आपस में बैठते हैं, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, इन दोनों के बीच में संवाद होता है, एक बातचीत होती है, बच्चे के स्कूल में क्या हो रहा है और बच्चे के घर में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं, तो बच्चे का जो परवरिश है, बच्चे की जो परिस्थिति है, बच्चे का जो उन्नति का मार्ग है, उसको समझने में और उस मार्ग पर बच्चे के चलने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। हम बच्चे की माएँ हैं, हम बच्चे की माँ हैं, बच्चा मेरे माध्यम से इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर आया है, और ये बात कही जाती है, मानी जाती है, व्यवहारिक रूप से इसको स्वीकार किया जाता है कि किसी की उपलब्धि से, किसी के बढ़ने से, दुनिया में किसी को तो ईर्ष्या हो सकती है, सभी को तो ईर्ष्या हो सकती है, सभी को तो परेशानी, प्रतिस्पर्धा की भावना हो सकती है, लेकिन बच्चे के माता पिता को और बच्चे के गुरु को हमेशा प्रसन्नता होती है, एक नागरिक के गुरु को और उसके माता पिता को। हम देखें कि वही दोनों आज यहाँ ये कामत परिवार जो है, उस कामत विद्यालय परिवार ने अपनी उस जिम्मेदारी का कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का, पूरे उसके आचरण व्यवहार का, केवल इतना नहीं कि हमने एडमिशन की फीस ली है तो बच्चा जितने बजे से
मेरे विद्यालय के अंदर आ रहा है और जितने बजे विद्यालय से जा रहा है, इतनी ही जिम्मेदारी कामत परिवार की है। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि हम बच्चों की माओ को बुलाएंगे, उनको एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उनको बैठा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। माने ये जो हमारा कामत विद्यालय परिवार है, ये कामत स्कूल ये चिंता कर रहा है अपने बच्चों की, जो बच्चे उनकी छत के नीचे उनके स्कूल में आ रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदतें स्वभाव संस्कार वो घर के अंदर भी कैसे व्यवस्थित हो। तो एक ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी, और मैं अभिनंदन करना चाह रही हूँ कामत सरस्वती इंटर कॉलेज परिवार का, बहुत बहुत सराहना कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ बड़े प्रयास का परिणाम है। आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये बड़े प्रयास का परिणाम है और बहुत बड़ी कामत परिवार की चिंता का भी परिणाम है, बच्चों से जुड़ाव का भी परिणाम है कि वो चिंता कर रहे हैं कि बच्चों की माओ से भी बात करी जाए। बच्चे 6-7 घंटे तो मेरे विद्यालय परिसर में रहते हैं, लेकिन उसके अलावा सारा समय अपनी माँ के पास रहते हैं। माँ कौन है, माँ कौन है, आप सब जानती हैं, मुझे नहीं बताना आपको। आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपकी पहुंच और आप क्या कर सकती हैं, ये आपको कोई बताए ये नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बीच की परिस्थितियां और समय ऐसा गुजरा है कि हम अपनी ताकत भूल गए हैं, हम अपनी समझ भूल गए हैं। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों में ऐसा उलझते हैं, अपने आसपास की परेशानियों में ऐसा फंसते हैं कि जो ईश्वर ने हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो माँ के रूप में दी है, हमारी अपनी कठिनाइयाँ, हमारी अपनी परिस्थितियाँ, हमारा अपना परिवेश कभी कभी उस जिम्मेदारी के निर्वहन में बाधा बन करके आ जाता है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई माँ नहीं जानती, कोई भी माँ बड़े ही वो निरक्षर हो कि वो नहीं जानती कि उस बच्चे का भला, उसके बच्चे का भला कैसे होगा। हर माँ ये जानती है कि उसके बच्चे की आवश्यकता क्या है, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ाई किस परिस्थिति में कर सकता है और कैसे कर सकता है। भले ही वो पढ़ी लिखी ना हो लेकिन वो जानती है, लेकिन कभी कभी उसकी अपनी परिस्थितियां उसे घेर लेती हैं। तो मेरा आज निवेदन आप सबसे ये है कि युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, ये आप भी समझ रही हैं और आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से कोई नहीं जान रहा। आज जो सत्ता व्यवस्था सरकारें हैं वो मातृशक्ति आधारित योजनाएं सामने ला रहे हैं, महिलाओं को केंद्रित करके, उनको फोकस करके, उनकी सामर्थ्य का सम्मान करके, उनकी ताकत का सम्मान करके, आज उसी ताकत का हमें मान और भान करना है। लोगों ने हमारे अधिकारों की तो बहुत बात करी है, ये आधी आबादी है इसको क्या मिल रहा है, ये तो अबला है, ये तो निरीह है, इसकी तो चिंता करो साहब, ये तो बोझ है। इनडायरेक्टली बोझ ही तो हुआ, जिसकी चिंता कोई करता है वो बोझ ही तो होता है। पहली बार ऐसा माहौल बना है कि हमारे ऊपर विश्वास किया जा रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। और विश्वास जानिए ये सच है कि एक परिवार को चलाना और देश को चलाना बिल्कुल एक है, उतनी ही कठिनाइयों का सामना एक परिवार को व्यवस्थित संस्कारित रूप में आगे बढ़ाने में करना पड़ता है जैसे किसी किसी देश को चलाने में करना पड़ता है। बहुत सारी समझ का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारे धैर्य का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारे साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आप सब वो करती हैं, लेकिन कभी कभी धैर्य छूटता भी है। लेकिन हमें ये जो जिम्मेदारी है, हमारे आंगन में हमारी गोद में जो बच्चा है, हमारी जवाबदेही पर जो बच्चा है, वो केवल हमारी संतति नहीं है, हमारी संतान नहीं है। हम ये समझें कि आने वाले देश, आने वाले समाज, आने वाली पीढ़ी को चलाने वाला नागरिक आज हमारे आंगन में खेल रहा है।
आप जैसी सोच समझ हम रखते हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए, वो आकार, वो समझ, वो व्यक्तित्व, वो स्वभाव, वो आचरण हम अपने बच्चों में बो सकते हैं, हम उन्हें वैसा बुन सकते हैं, वो संस्कार हम दे सकते हैं। बहनों का सम्मान करना है, बेटियों का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, ये एक माँ अपने बच्चे को सिखा सकती है। आज अगर हमने अपने बेटों को समाज के अंदर सम्मान करना सिखाया तो कल का समाज आप सोचिए कैसा बन करके खड़ा होगा। तो आज वो संस्कार बच्चों को सिखाना है। हमारे बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत योग्यता है, और एक जो मूल है कि बच्चों से हम जो कहते हैं, बच्चों से हम जो कहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बहुत आदर्श उनको समझाते हैं, लेकिन बच्चे करते वो हैं जो हम उनको दिखाई देते हैं करते हुए। परिवार के अंदर माता पिता जो कर रहे हैं, जैसा आचरण कर रहे हैं, जैसा अपने पड़ोसी के लिए बोल रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए बोल रहे हैं, आसपास वालों के लिए बोल रहे हैं, हमारे बच्चे सुन रहे हैं। आप उनसे कहिए कि बुराई मत करो, वो कैसे मानेंगे जब आप वो कर रहे हो उनके सामने। आप उनसे कहोगे कि टीवी मत देखो, वो कैसे मानेंगे जब आप उनके सामने सीरियल देख रहे हो। तो बच्चे का स्क्रीन पर, माने मोबाइल पर और टीवी पर कितना समय जा रहा है, हमारा बच्चा स्क्रीन पर अपनी आंखें कितनी देर लगा रहा है, आंखों की वो क्षमता जो क्या क्या पढ़ाई करने में उसकी लगनी चाहिए, किस दिशा में जानी चाहिए, वो मोबाइल पर जा रही है। स्क्रीन पर जब हम सीरियल देख रहे हैं तो बच्चे को और कुछ देखने से हम कैसे मना कर पाएंगे। हमारा कितना समय स्क्रीन पर जा रहा है, तभी तो बच्चे को टोकेंगे तो वो सुनेगा। तो सबसे पहले हमें अपने में सुधार लाना है, बच्चे हमारी बात तभी सुनेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने। विद्यालय से हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है, यहाँ पर शिक्षिकाओं के पास, टीचर्स के पास हमारे बच्चे आते हैं तो उनसे हमारा संपर्क संबंध कैसा है, उनसे संपर्क संबंध विद्यालय के अंदर रखना, अपने बच्चे के बारे में वो कक्षा में कैसा, क्लास में कैसा कर रहा है, ये सारी चिंता रखना हमारी जिम्मेदारी है। विद्यालय परिवार के लिए समय निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हम हमेशा ये ध्यान में रखें, ये केवल हमारे घर का चिराग नहीं है, नहीं है केवल ये हमारे घर का चिराग, ये जो देश के लिए बात हो रही है, भारत के समाज के लिए जो बात हो रही है, उसके आधार में आप सब हो, उसके मूल में आप सब हो। आपके घर में जो बच्चा है वो भारत का भविष्य है, भारत का भविष्य है। भारत का समाज कैसा बनेगा वो आपके आंगन में खेल रहा है, और आपके संस्कार पर, आपके त्याग पर, आपके समर्पण पर भारत का भविष्य निर्भर कर रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई वर्जना नहीं बची, पहले कहा जाता था कि बेटी हुई तो वो टीचर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, बैंक में चली जाएगी, यही तीन चार जगह होती थी कि बेटी हो तो तुम यही तीन चार जगह नौकरी कर लो, बस बाकी जगह नहीं जाना, एक परसेप्शन बना हुआ था, धारणा बनी हुई। आज आप देखो कि देश की सीमा पर महिलाएं खड़ी हुई हैं, देश की वहां पर उन पर विश्वास किया है कि मेरी मातृशक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो देश की सीमा की सुरक्षा कर सकती है। जब अब मंगल मिशन बन रहा है, दुनिया का सबसे उत्कृष्ट अंतरिक्ष का मिशन, मंगल मिशन, और उसकी 500 की टीम में 27% हमारे देश की बेटियां हैं, और किसी भी क्षेत्र को उठा करके देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र को कोई वर्जना नहीं बची। आज हम अपने बच्चों से ये नहीं कह सकते खेलोगे नहीं, उसके अंदर कोई कौशल है, कोई हुनर है, कोई ऐसा स्किल है और उसमें हमें सहायक होना चाहिए। आज जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर
गणित के बराबर खेल कूद के नंबर होने जा रहे हैं, तो हमारा बच्चा अगर खेलने में रुचि रखता है तो उसको खेलने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। हमारा बच्चा अगर संगीत में रुचि रखता है तो उसकी रुचि को दबाना नहीं है। आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई है, वो ओवरऑल बच्चे के सारे व्यक्तित्व के अंदर जो गुण है उन सारे गुणों को निकालने की बात कहती है। और एक जो हमारी चिंता होती है ना मार्कशीट को लेकर कि मार्कशीट में नंबर कितने हो जाएंगे, ये गाना गाएगा ये बजाएगा तो नंबर कहाँ से पाएगा, तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि संगीत खेलकूद क्राफ्ट कोई चीज बनाने का, ये सारी चीजें गणित इंग्लिश विज्ञान जैसे विषयों के जैसी ही आंकी जाएंगी। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे बच्चों के पूरे विकास को लेकर आगे आई है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 4 लाख लोगों ने, शिक्षाविदों ने, देश का भविष्य विकसित कैसे हो सकता है, देश के बच्चों को क्या पढ़ाया जाए तो अच्छे नागरिक बन के वो निकलेंगे, इसके लिए जो पूरी रिपोर्ट तैयार हुई है वो रिपोर्ट बनी होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, हम लोग प्राण प्रण से जुटे हुए हैं, लेकिन सारे प्रयास आपके विश्वास के आगे नतमस्तक है। जब तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एक नई पॉलिसी एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये क्या है, ये क्या कहती है, हमें उसके अनुरूप चलने का अपने अंदर माइंडसेट नहीं बदला, जब तक हम बदलेंगे तब तक ये हमारा प्रयास सफल नहीं होगा। तो हम सबको मिल करके अपने बच्चों के सारे गुणों को निकाल करके शिक्षा जिसका माध्यम कहा गया है, शिक्षा केवल जो पहले से अंदर नहीं बच्चे के अंदर गुण है ज्ञान है उसको निकालने का माध्यम है। तो हमारे बच्चे के अंदर कुछ अगर जानकारी गुण ऐसा ईश्वर ने दिया है तो वो सब अच्छे से निकल करके आए, एक अच्छे हमारे बच्चे आगे बढ़कर कोई ओलंपिक में स्थान लेगा, कोई दुनिया के अंदर संगीत के क्षेत्र में नाम करेगा, क्योंकि हमारे ही बच्चे होंगे, वो देखिए उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है, उनको योगदान भी मिल रहा है, और ऐसे करके हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप सब इस विद्यालय परिवार के साथ जुड़ करके अपने बच्चों को संस्कार देने में, अपने बड़ों के साथ उन्हें जोड़ने में, और स्क्रीन पर उनका समय कम से कम रहे, चाहे वो मोबाइल का हो चाहे टीवी का हो, इस ओर आप उनको बचा पाए वहाँ से, और आपका जो कोऑर्डिनेशन है विद्यालय परिवार के साथ टीचर्स के साथ बातचीत का, वो लगातार संवाद ऐसे कायम करके हम अपने बच्चों को, हमारा ये जो कामत सरस्वती इंटर कॉलेज परिवार, यहाँ से एक श्रृंखला बहुत सारे अचीवर्स की निकले जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा अच्छा अचीव किया है। आज कुछ बच्चों को आप सम्मानित करने वाले हैं, अभी मैंने सुना, तो यहाँ एक बड़ी सी शिला पट्टिका लगेगी और वो आप सबके सहयोग से लग पाएगी। जब तक आप अपने घर के अंदर बच्चों को उन्हें अवसर नहीं देंगे, वातावरण नहीं देंगे, घर को आश्रम बनाना पड़ता है। मैं कह रही हूँ ये तपस्या है, पढ़ाई तपस्या है, और पढ़ाई के लिए शुरू में भेजा जाता था ना जंगलों में बच्चों को, घर को आश्रम बनाना पड़ता है, घर को गुरुकुल बनाना पड़ता है, तब वहाँ से वैसे वैसे श्रेणी के विद्यार्थी निकल करके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने अपने सार्वजनिक विशिष्ट उद्बोधन में हम सबको संदेश दिया, और वो आपको संदेश है कि आप अपने बच्चे को केवल अपने घर का दीपक न माने, वो विश्व का दिवाकर बने, भारत का सूर्य बने, ऐसा समझकर उसका मार्गदर्शन करें। और मांडिया ने अभी बताया कि नारी मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारी भाजपा सरकार की मोदी और योगी के नेतृत्व में कितनी योजनाएं चल रही हैं, तो मांडिया जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ कई ऐसे